हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। तो जैसे कि आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा, टुडे शी विल डू माय मेकअप। ऑल दो मुझे इस पे पूरा भरोसा है कि ये बिना ब्लाइंड फोल्ड के भी मेरा मेकअप काफ़ी अच्छे से कर सकती है, बट आई नीडेड टू एम्प इट अप, तो आई विल ब्लाइंड फोल्ड हर और तब ये मेरा मेकअप करेगी। मैंने इसका काम थोड़ा सा ईजी करने के लिए इसे इस बास्केट में इसकी पसंद के सारे प्रोडक्ट्स निकाल के दे दिए हैं, बिकॉज वो ज़्यादा मेकअप नहीं करती है तो वो कंफ्यूज जाएगी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में। तो शी हैज़ पिक्ड ऑल द प्रोडक्ट्स दैट शी वांट टू यूज़ एंड नाउ आई विल ब्लाइंड फोल्ड हर। आप कुछ बताना चाहेंगे? आप कितनी एक्साइटेड हैं इस वीडियो के लिए? बहुत। तो लेट्स स्टार्ट, आई विल ब्लाइंड फोल्ड हर। तो अब ये ब्लाइंड फोल्ड हो गई है, तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल डाउन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल सो दैट you get notified every time I upload a video. Now without any further blabbering, let's dive right into this. चलो आज मेरा मेकओवर होने वाला है, मैं खुद नहीं कर रही हूँ। पहले प्राइमर। ठीक है, पहले प्राइमर लगा रहे हैं। गुड। मैं कैसे ले? काफ़ी अच्छी स्टार्ट हो रही है। आ जा। ओ भाई, इसको तो हाथ से करते हैं। काफी अच्छे से मेरा फेस प्राइम हो गया है। ये ही एक लौता स्टेप मुझे लगता है जिसमें ये कुछ गुड़ गोबर नहीं कर सकती। प्राइमर के बाद कोई बात नहीं, मैं बंद कर दूंगा। हम लगाएंगे फाउंडेशन। वेरी गुड। ये बहुत इजी फाउंडेशन चुना है। हमारे यहाँ ऑडियंस भी है, मेरी मम्मी। कहाँ है? आग बंद। आग बंद ही है मेरी। इतना भी रिस्क खतरों के खिलाड़ी बनने का शौक नहीं है मुझे। ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज कर सकती है, मैं उसे डैम करके ले आई। डन। काफी खूबसूरत फाउंडेशन ब्लेंड हुआ है मेरा। ओह गॉड, इस स्टेप के बाद तो मेरी उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई। अब काफ़ी अच्छी ब्लेंडिंग की है गाइस, प्लीज़ अगर आपको ब्लेंडिंग में थोड़ी भी दिक्कत होती है तो आप इन्हें कांटेक्ट करें, मैं इनकी डिटेल्स नीचे दे दूँगी। अब हम कंसीलर लगाएंगे। मुझे काफ़ी ज़रूरत है कंसीलिंग की अभी। काफ़ी ज़्यादा मुझे इसी जगह पर कंसीलिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, उस वाले फाउंडेशन से कवरेज ज़्यादा अच्छा नहीं मिला था। आज तो कंसीलर के बिना काम नहीं चलने वाला था। ओह, हम कॉन्ट्रोल भी करेंगे। ओह माय गॉड, काफ़ी प्रो मेकअप आर्टिस्ट बुलाई है आज मैं। आप देख सकते हैं मैं अभी से ही काफ़ी खूबसूरत लगने लगी। ब्लेंडिंग तो मैम वैसे ही बहुत अच्छी करती है, तो मुझे इस स्टेप से तो उम्मीद है काफ़ी ज़्यादा है। अभी अच्छे से ब्लेंड हो गया। अच्छे से ब्लेंड हो गया है, ठीक है। बचा ही नहीं कुछ। कुछ बचा ही नहीं है, वाकई कुछ नहीं बचा, मुझे थोड़ी सी और ज़रूरत है। अब हम लगाएंगे, अब हम आईब्रो, अब हम आईब्रोज बनाएंगे। आईब्रोज नहीं, पहले लैश कर्ल करेंगे। तू श्योर है? तू लैश कर्ल करना चाहती है मेरी? नहीं, ये प्लान हमने ड्रॉप कर दिया है। वहाँ से मेरी मम्मी के इशारे आ रहे हैं कि आके चाहिए तो ये मत करो। लैश कर्ल करना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। पर अभी तक तो बेस काफ़ी सुंदर लग रहा है, नो डाउट, काफ़ी सुंदर बेस किया है इसने।
मस्कारा होता है। बेस में तो खैर क्या ही खराब करती है ना ये, तो फाउंडेशन ब्लेंड ही तो करना था और क्या करना था। आईब्रो पेंसिल जो हाथ लगता कर दे, जो हाथ लगता है वो करेंगे अब हम। ये तो कुछ और है। ये काफी प्यार से मेकअप हो रहा है मेरा। हम आईब्रोज बनाने वाले हैं। आई होप आईब्रोज आईब्रोज पे ही बने। तो श्योर है कि तूने प्रोडक्ट निकाला है? ब्रो तो है। अच्छा ठीक है, कहाँ से शुरू है? गाइज ये एक तरीका है, आप अपना प्रोडक्ट बचाते हुए अपने आईब्रोज बना सकते हैं। बदतमीजी, बंद करके दे दिया। मैंने बंद नहीं किया था, तूने खोला ही नहीं था उसे। हाँ भाई बाहर अब हम आई शेडो लगाएंगे। अब हम आई शेडो लगाएंगे, काफ़ी कलर की ज़रूरत है मेरे फेस पे इस टाइम। पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना अच्छा कर लेगी। फर्स्ट टाइम ही मेकअप कर रही है, इससे पहले किया किसी के ऊपर? अपने ऊपर किया इससे नहीं। पहले काफ़ी क्लियर हो गया है वो तो इस बात से। अरे ब्रश तो यूज़ ही नहीं करे। ब्रश यूज़ नहीं करे तो अब हम ऐसे ही ब्रश को अपने फेस पर घिस लेंगे, क्योंकि हमें ब्रश भी यूज़ करना है, हमारे पास ब्रश है। ठीक है, ब्रश भी यूज हो गया। ठीक है, ओ ब्रश दिखा दे कौन सा भैया। ओके हमने ये ब्रश लिया, काफ़ी छोटा ब्रश है। ओके तो अब हमने ऐसे ऐसे करके जितने कलर्स थे सबको ले लिया है। वेरी नाइस, अब हम थोड़ा सा पिंक और लगा देंगे। ब्लेंडिंग में तो मैम वैसे ही प्रो है, तो उसमें तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है। हम ग्लिटर लगाएंगे। हम ग्लिटर भी लगाएंगे, अमेजिंग। ठीक है, नहीं ग्लिटर ब्रश, अच्छा ग्लिटर भी हम ब्रश से लगाएंगे, काफ़ी प्रिसिजन में। वेरी गुड, कौन सा ब्रश लिया है वो दिखा दें। हम ये वाले ब्रश से ग्लिटर लगाएंगे। ठीक है, ओह हमने काफ़ी सुंदर ग्लिटर का शेड चुना है। कहाँ गई? यही हूँ मैं तो, यही हूँ। हमारी ऑडियंस काफी एंजॉय कर रही है, ग्लिटर में गड्ढे पड़ गए। आप देख सकते हैं काफी अच्छा लुक क्रिएट हुआ है। अच्छा हम यहाँ पे भी ग्लिटर लगाएंगे। ठीक है बस आई शेडो हो गया, काफी खूबसूरत मैं लग रही हूँ, आप देख सकते हैं। प्राइमर, कंसीलर, फाउंडेशन, आई मेकअप भी हो गया। आई मेकअप भी हो गया, काफ़ी सुंदर आई मेकअप हुआ है। आई मेकअप भी हो गया। अब हम मस्कारा लगाएंगे। हम ब्रश से मस्कारा लगा रहे। मस्कारा कहाँ गया? ये रहा। काफ़ी हिम्मत है, इतना ब्यूटीफुल मास्टरपीस क्रिएट करने के बाद हम मस्कारा भी लगाएंगे। ठीक है, एक एक बाल पकड़ पकड़ के उन पर मस्कारा लगाया जा रहा है। अब तो आई एम श्योर मेरा लुक काफी एनहांस हो जाएगा। आई एम 100% श्योर। मस्कारा तो लोग खुली आंखों से भी बहुत सुंदर लगा लेते, फिर ये तो मैडम बंद आंखों में मस्कारा लग गया। मस्कारा हो गया तो अब मैंने कहा था अब मैं काफी ज्यादा सुंदर लगने वाली हूँ, तो एज आई सेड आप देख सकते हैं मैं काफी खूबसूरत लग रही हूँ। अब हम लाइनर लगाएंगे। अब हम आईलाइनर भी लगाएंगे, काफी कमी हो रही थी इसलिए अब हम लाइनर भी लगाएंगे। काजल से लाइनर लगाएंगे।
अच्छा नॉर्मल लाइनर लगा रहे हैं, विंग लाइनर लगा रहे हैं? नॉर्मल नॉर्मल. अच्छा हम नॉर्मल लाइनर, नॉर्मल लाइनर लगा रहे हैं. काफ़ी नॉर्मल है ये लाइनर. अब हम इसको ब्लेंड करेंगे. नॉर्मल लाइनर लगाया गया है, विंग बिल्कुल नहीं दिया है क्योंकि इनको विंग लाइनर मेरे ऊपर अच्छा नहीं लगता है. बिल्कुल विंग नहीं दिया है. और अब उसको ब्लेंड करेंगे. अब हम उसको ब्लेंड करेंगे. ब्लेंड करेंगे, स्मच करेंगे, क्या करते हैं जो. हाँ ठीक है, हम कुछ करेंगे उसके साथ अभी. अभी काफ़ी कमी है मेरे चेहरे पे, इसलिए अभी हम कुछ और भी करेंगे. काफ़ी खूबसूरत तरीके से डन हुआ है ये. फाउंडेशन, कंसीलर, आईब्रो भी हो गया और आई कलर सब कुछ हो गया. सब कुछ हो गया. अब फिक्सर लगा देते हैं. अब फिक्सर लगा देते हैं. इसको फिक्स करने की काफ़ी ज़रूरत है ताकि ये मेकअप पूरे दिन चले, हटे ना बिल्कुल पसीने वसीने में. फिक्स करते हैं इसको. आईज क्लोज. आईज क्लोज ऑब्वियसली. स्प्रे कहाँ से होता है? आईज बंद है ना. गड़बड़ो. डन. अब ये मेकअप कहीं नहीं हिलने वाला, 24 घंटे टिकेगा. आप कहीं शादी वादी में जाते हैं तो आप ये ट्यूटोरियल बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं. और गाइस अगर बैकग्राउंड में किसी के हंसने की आवाज़ आ रही है तो वो हमारी ऑडियंस है जिनसे बिल्कुल हंसी कंट्रोल नहीं हो रही है. मेरा मेरी खूबसूरती देख के उनकी हंसी बिल्कुल ओके. अब हम ब्रश से ब्लेंड नहीं, नहीं अब ब्लेंड, अब कुछ और करते हैं. अब कुछ और करते हैं करेंगे. अच्छा अब हम ओहो अब हम ब्लेंडिंग करेंगे. हमारी ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छी हुई थी. अब हम लिपस्टिक लगाएंगे. लिपस्टिक लगाएंगे. आप श्योर है आपको इतने खूबसूरत लुक पे न्यूड लिपस्टिक ही लगानी है? नहीं कोई और सी. अच्छा नहीं आप मुझे कलर बता दें, मैं दे देती हूँ. कोई सा भी ले पा लेंगे. ठीक है रुक जाओ मैं ऑप्शन दे देती हूँ. वैसे मैम को लिपस्टिक के ऑप्शन देते हैं, देखते मैम कौन सी चुनना चाहती है. आई एम श्योर कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत वाली लिपस्टिक चुनेंगी. ठीक है तो हमने रेड कलर चुना. काफ़ी न्यूड लुक था तो रेड की तो ज़रूरत थी. वन कर आगे हो. लिपस्टिक तो बिल्कुल होठों पे ही लगी है, इधर उधर बिल्कुल नहीं लगी है. आई एम रियली प्राउड ऑफ यू. आप और कुछ करना चाहती है? डन. रुक जाओ आप श्योर है? आप एक बार देख लें अगर आपको कुछ और ऐड करना हो तो. देख लो सारे प्रोडक्ट्स, कुछ छुड़िया हो तो लगा दो. ये तो ब्रशेज हैं सारे, मैं ब्रशेज अलग कर देती हूँ. ये भी ब्रश. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइज ये लुक क्रिएट हुआ है. मैं काफ़ी ज़्यादा हंसने में खो गई थी कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि फिर से मेरा कैमरा स्टॉप हो गया था रिकॉर्ड होना. तो लास्ट में एक ट्विस्ट ऐड हुआ था जिस ट्विस्ट में मेरी मम्मी ने इसे ये एलिमेंट दिया था मेरे लुक पे ऐड करने के लिए और मैडम ने इतने अच्छे से ऐड किया है. आप कुछ कहना चाहेंगे अपने लुक के बारे में? ऐसा लुक कभी ट्राई मत करना. मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ. पहली बार मैम ने मेकअप किया है, दोबारा इनको मौका नहीं दिया जाएगा. थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर आने के लिए, मेरा इतना अच्छा मेकअप करने के लिए. गाइज ये मेरा अभी तक का बेस्ट लुक है. आपने ट्यूटोरियल तो देख ही लिया होगा. लास्ट में लिपस्टिक लगाना रह गया था पर वो आप देख सकते हैं, वो देखने की ज़्यादा ज़रूरत थी भी नहीं. बट हाँ ये मेरी मम्मी ने एलिमेंट ऐड कर दिया था क्योंकि लुक बहुत ज़्यादा न्यूड होता जा रहा था तो हमें उसे ग्लैम अप करना था और अब उनकी हंसी नहीं कंट्रोल हो रही है. आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं वो कुछ नहीं बोलना चाहेंगे. वो शी इज़ वेरी मेसमराइज्ड विद दिस लुक. तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये लुक कैसा लगा. आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको शादी पार्टी कहीं का भी मेकअप कराना है या ये आपकी बुकिंग लेंगी और आपको बिल्कुल ऐसा मेकअप करके देंगी, इससे ज़रा सा भी इधर से उधर नहीं होगा. तो अगर आपको ये लुक पसंद आया है कांटेक्ट मिस पूजा पांडे, ये बिल्कुल रेडी है सबका मेकअप करने के लिए, काफ़ी टैलेंटेड है. सो गाइज विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो और मैं जल्दी से अपना मुँह धोना चाहती हूँ क्योंकि ऐसे मैं अपनी शक्ल एक मिनट और नहीं देख पा रही हूँ. I hope you like this video and if you did, please consider hitting the like button and don't forget to like, share, comment and subscribe.
And don't forget to press the notification bell so that you get notified every time I upload a video. आप मेरे subscribers से कुछ कहना चाहेंगे? Subscribe करो. Notification bell बजाओ. Hit करो. Hit करो. अब तो इन्होंने भी बोल दिया लाइक करो. करो ये मेरी मम्मी की डिमांड है कि लाइक भी करो. आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो वीडियोस को, तो प्लीज गाइस शो सम लव टू हर एंड मी एज वेल. थैंक यू सो मच. और इसके बाद शायद से यही मैं इनके ऊपर भी करने वाली हूँ, बिल्कुल बदला लिया जाएगा. आई विल सी यू सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय.